भारत की तरफ से रावी में साफ पानी तो आता है सिर्फ 1000-1500 क्यूसेक, बाकी है घरों और संतों से आने वाला आलूदा पानी जिसने बदल दिया है दरिया को गंदे नाले में। शहरियों के मुताबिक आलूदगी की वजह से अब तो दरिया किनारे पिकनिक मनाने को दिल चाहता है और न कश्ती रानी को। पहले पानी इंडिया छड़दा सी, हुन इंडिया ने पानी बंद कर लिया, ना कालजा दी कश्तियां शौक ना थे, पानी बर्बादी बर्बादी। दरिया पे कौन आया देखने के लिए? गंदा पानी है, गंदे नालियों का जितने नाले हैं वो दरिया में पै रहे हैं। माहिरीन ने अभी वसाइल के मुताबिक रावी के पानी में बढ़ती आलूदगी ने लाहौर और गिरदोनवा में जेरे जमीन पानी का मयार तबाह कर दिया है। ये पानी इंसानी सेहत के लिए मौजू है न ज़रात के लिए। वो वेस्ट वाटर है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर वेस्ट, विदाउट एनी ट्रीटमेंट दरिया रावी के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जा रहा है, जिस वजह से यहाँ की जो आबी जिंदगी भी डिस्टर्ब हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरिया में बढ़ती आलूदगी पर रावी कमीशन बनाया था, इसकी सिफारिशात पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। माहिरीन ने माहौलियात का कहना है कि दरिया से आलूदगी के खात्मे के लिए हुकूमत के अलावा माशरे के हर शोबे को अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरा मैन अली मुज्तबा के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर।